प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों को वर्चुअल माध्यम से 400 करोड़ रुपए की सौगात दी है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों को सौगात देने पर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों के लिए 400 करोड़ रुपए की सौगात देने के लिए धन्यवाद करता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर में दी गई विकास की अनेक सौगातें के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह सौगातें निश्चित ही जम्मू कश्मीर में विकास के एक नए युग का प्रारंभ है। मैं इस बात के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनने जम्मू कश्मीर जैसे एक तरह से आज़ादी के बाद जिस स्थान पर लगातार अस्थिरता बनी रही, जहाँ विकास की धारा अवरुद्ध हुई, जहाँ से आतंकवाद पनपा, ऐसी जगह शांति का संदेश दे करके न केवल ट्रेन की सौगात दी बल्कि उच्च शिक्षा से लेकर के सभी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर को देश के अग्रगण्य राज्यों में एक स्थापित करने का स्थान बनवाया। मैं ये देश की एकता अखंडता के लिए माननीय प्रधानमंत्री के इस योगदान को कभी न भूलने वाला काम एक तरह से बनाना चाहूँगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में लगभग 400 करोड़ की जो हमको सौगात मिली है, तीन विश्वविद्यालय बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन और एक जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, तीनों को 100 करोड़ और बाकी राज्यों को मिलाकर के 100 करोड़ से 400 करोड़ की सौगात दी है, जो सभी प्रकार के उच्च शिक्षा के विभाग में नए इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, नए अधोसंरचना के लिए ऐसे कई कामों की जो सौगात मिलेगी। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी शिक्षा मंत्री दोनों के प्रति आभार मानना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा निश्चित रूप से उनकी आशा अपेक्षा के अनुसार मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश सरकार देश के नंबर 1 राज्य में शामिल